हेलो एवरीवन, आज जो मैं कुकीज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये मैंने गेहूं के आटे से बनाया और जो मैं इस पर क्रीम लगा रही हूँ वो बहुत ही कम पैसे की बनी हुई है, तो झटपट बनने वाली और सस्ती। ये कुकीज बनाने के लिए बस आपको मेरी वीडियो में बने रहना होगा। और मैंने किस चीज़ से ये क्रीम को बनाया है, व्हिप्ड क्रीम को, बहुत ही सस्ती चीज़ें मैंने लगाई हैं। तो चलिए, इस तरह से आप कुकीज बनाकर घर में स्टोर करके आप रख सकते हैं, बच्चे भी जब मन करे निकाल कर खा सकते हैं, और गेहूं के आटे से बनी हुई है तो हेल्दी तो है ही। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब देना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोज आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट मैंने बहुत ही प्यारी सी बनाई है, बिल्कुल हार्ड नहीं होगी। बिना ओवन के आप कुकीज को घर में बना सकते हैं झटपट कम इंग्रेडिएंट से। और मैं अभी आपको एक तोड़ कर दिखाई देती हूँ जो मैंने बनाया था। सो देखिए, आपको नज़दीक से यहाँ दिखा देती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मेरे तोड़ने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी प्यारी सी ये बनी हुई है। और बच्चों के लिए तो घर में अगर टॉफ़ी बिस्किट की जगह इस तरह के कुकीज बना कर रख दें तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं निकाल निकाल कर, और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अंदर तक देखिए कितनी अच्छे से पकी हुई है और सॉफ्ट भी है। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो आज की इस कुकीज को ना मैं बटर से बनाऊंगी ना मैं तेल से बनाऊंगी, घर के शुद्ध देसी घी से बनाऊंगी जो हम लोग निकाल कर रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटू से कप से मैंने घी ले लिया है। अब इतने घी से ही मैं देखिएगा कुकीज कितनी सॉफ्ट और प्यारी सी बनाऊंगी। तो क्या करना है कि इस घी को आपको कुछ टाइम के लिए मिलाना है जब तक ये थोड़ी सी मेल्ट ना हो जाए। आपने देखा था कि वो बहुत अच्छे से जमी हुई थी और हल्का फेंटने पर भी विस्कर से ये थोड़ी सी ढीली हो गई है। अब क्या करना है कि आपको जितनी क्वांटिटी में बनानी है उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है चीनी। तो चीनी मैंने अभी तुरंत पीसा था, तो इसको मैंने छाना नहीं था, तो मैंने छन्ने में डालकर इसको छान लिया है। जिस कप से मैंने चीनी लिया था उसी कप से मैं इसमें और भी इन्ग्रीडियंट लूँगी आगे। और इस चीनी को भी अच्छे से छान लेना है, कोई टुकड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए जो दाने वगैरह होते हैं। सो उसके बाद घी और चीनी को आपको तब तक फेंटना है, जब तक इसका कलर देखने से एकदम वाइट, जैसे हम लोग व्हिप्ड क्रीम कैसे तैयार करते हैं उस तरह की ना हो जाए, तब तक आपको इसको फेंटते रहना है। ये तैयार हुई है कि नहीं इसे देखने का मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। इस तरह कटोरे को पलट दें और अच्छे से सेट हो जाती है तो ये गिरती नहीं है। तो इस स्टेज पर भी आप समझ जाइए कि ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम लोग अगला इन्ग्रीडियंट डाल सकते हैं। तो मैंने भी इसे अच्छे से फेंट लिया है, अब मैं इसमें अगला इन्ग्रीडियंट डालूँगी। और अगला जो भी इंग्रेडिएंट लेंगे हम लोग छान कर ही लेंगे, जैसे बिल्कुल केक बनाते हैं ना सब कुछ छान कर लेते हैं, उस तरह से छानने से इसका जो अंदर का कंडीशन है वो कंसिस्टेंसी है या फिर कहिए कि उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही हल्की हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करना है कि मैंने लिया है एक कप गेहूँ का आटा, जिस कप से मैंने एक कप चीनी लिया था उसी कप से मैंने एक कप गेहूँ का आटा लिया है। इसे मैंने हल्का छान लिया। अब इसमें आधा कप मैं प्यारा सा टेस्ट देने के लिए और थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है आधा कप मैदा। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से छान लेना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सभी चीज़ों को छानते हुए लेना है। तो आप इस तरह से चम्मच से छान कर ले सकते हैं। उसके बाद जब सारी चीज़ अच्छे से छान जाएगी तो आपको इसमें डाल देना है कोको पाउडर। कोको पाउडर मैं जिस रेगुलर चम्मच से सभी चीज़ें लेती हूँ उस चम्मच से नहीं ले रही हूँ, इस छोटे चम्मच से ले रही हूँ। तो एक चम्मच मैंने भर के लिया और आधा चम्मच मैंने दो बारी ली है, तो लगभग दो छोटे चम्मच मैंने कोको पाउडर ले लिए है। अब इसे भी मैं छान लेती हूँ, थोड़ी सी डब्बा में बची हुई थी तो मैंने उसे भी डाल दिया एकदम चुटकी के बराबर। उसके बाद इसको भी अच्छे से छान लेना है, डेला वगैरह हो तो चम्मच से चलाकर छानने पर अच्छे से डेले भी टूट जाते हैं और अच्छे से ये छन जाती है। तो इसी बीच मैं क्या डालूंगी, जिस चम्मच से मैंने कोको पाउडर लिया था उसी चम्मच से मैंने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा मैं इस रेसिपी में यूज नहीं कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर से ही बहुत अच्छी प्यारी सी बनकर तैयार हो जाएगी। अब क्या करना है, इस सूखे इन्ग्रीडियंट को उस बटर वाले मतलब घी और चीनी में थोड़ा सा फेंट लेना है, क्योंकि सभी चीज़ें ड्राई हैं तो उड़ेंगी। तो पहले हल्का सा मिला लेना है विस्कर से, उसके बाद आप हाथ से भी इसको अच्छे से मिला सकते हैं, स्पैचुला से भी अच्छे से मिला सकते हैं, जिस तरह से आपको सुविधा हो। तो मैंने हाथ से ही हल्का सा मिला लिया है। इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी आटे का फ्लेवर नहीं आया, तो आटे के फ्लेवर को कम करने के लिए मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस लिया है। अगर आपको वनीला एसेंस का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप यहाँ पर एक इलायची को अच्छे से क्रश के कूट पीस के इसमें डाल दीजिए, अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और आटे का महक नहीं आएगा, लेकिन कोई भी फ्लेवर डालिएगा ज़रूर। अब क्या करना है कि मैं इसे जिस तरह से आटा लगाती हूँ ना बिल्कुल उस तरह से मैं लगा रही हूँ, क्योंकि नीचे में घी और चीनी थोड़ी सी बैठी हुई है तो मैं आटा के साथ अच्छे से थोड़ा सा मैश करते हुए मिला ले रही हूँ। अभी ये बहुत ड्राई लग रही है, तो जिस कप से मैंने घी लिया था उसी कप से मैं आधा कप अभी मैंने दूध लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का, ज़रूरत पड़ेगी तो आधा कप और लूँगी।
तो फ्रेंड्स इस तरह से मिलाने के बाद मुझे लग रही है कि थोड़ी सी ड्राई है, तो मैं इसमें आधा चम्मच और ले लेती हूँ, आधा जिस चम्मच से मैंने घी लिया था, तो जिस चम्मच से मैंने घी लिया था उसी चम्मच से मैंने आधा चम्मच और ले लिया है, मतलब एक चम्मच घी एक चम्मच दूध उसी चम्मच से दोनों बराबर मात्रा में हो गई। और इसे बड़े चम्मच से मैंने जिस चम्मच से चीनी लिया था उसी चम्मच से मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया और उसी चम्मच से मैंने आधा कप मैदा लिया था। तो इस तरह से मिला लेना है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद देखिए बिल्कुल अच्छे से मिल जाने पर ये इस तरह से एक डो कैसे बन जाती है, तो डो की तरह ये बन जाती है। तो आप इसको चाहेंगे तो एक जगह इकट्ठा करके देखिए, हल्की भुरभुरी सी मेरी डो बनकर तैयार हो गई। इसे मैंने साइड कर दिया, यहाँ पर मैंने मोटे तले का कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर मैंने स्टैंड रखा है और अब इसे बराबर से जिसमें अच्छे से हवा बाहर नहीं जाए उस तरह से ढक्कन लगा देना है। अब इसको ढक कर लो मीडियम फ्लेम पर इसे हल्का सा गर्म होने देना, तब तक अगली तैयारी करनी है। तो मैंने एक चम्मच ले लिया, इसी चम्मच के नाप से मैं सारे पीसेस बनाऊंगी ताकि सभी का साइज़ एक जैसा हो। इस तरह से रख लेना है, रख के थोड़ी सी इसमें जो आटा है उसको रखिए और रखने के बाद इस तरह से निकालिए, अच्छे से गोल कीजिए, स्मूथ कीजिए। अब आप इसे गोल चपटा जिस तरह से चपटा लंबा चौकोर जैसा डिजाइन देना चाहते हैं, लेकिन स्मूथ करने के बाद तो मैंने इसको छोटी छोटी टिक्कियों के रूप में बनाया है। और उसके बाद टिक्कियों को तैयार करने के बाद मैंने यहाँ प्लेट ले लिया, घर की नॉर्मल सी प्लेट जिसमें हम लोग खाते हैं। उसमें क्या करना है दो तरीक़े से मैं बताऊँगी। आप इस तरह से प्लेट में बटर लगा कर भी आप इसके ऊपर उन टिक्कियों को रख सकते हैं, या फिर तेल रग लगा कर भी आप उसके ऊपर इस तरह से टिक्कियों को रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं जलेगी। बटर वाली का भी बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है, बटर का तेल वाला भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। ऑलमोस्ट मैंने घी डाला तो मतलब घी का स्वाद तो सबके सामने अच्छा ही होता है, तो घी का स्वाद सब में आ जाएगा। अब क्या करना है कि छोटे छोटे बॉल्स तैयार करके मैंने यहाँ पर चार, मतलब अर्ध चंद्राकार कैसे होता है उस तरह से मैंने यहाँ पर चार रखा है। इसको मैंने साइड कर दिया था और उसके बाद जब तक मैंने बनने के लिए इसको पकने के लिए रख दिया था, दूसरा मैंने टिक्कियों को तैयार किया, तो वो टिक्कियों का साइज़ किस तरह से था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले इन टिक्कियों को मैं रख देती हूँ कढ़ाई में पकने के लिए और उसके बाद मैंने यहाँ देखिए स्टैंड को उल्टा कर लिया क्योंकि उसको पकने में टाइम थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, तो सीधे स्टैंड पर थोड़ी सी धाक ऊपर में कम आ रही थी तो मैंने उल्टा करके रख दिया और इस तरह से टिक्कियों को तैयार कर लिया। और इस प्लेट में मैंने तेल लगाया है और इस तरह से टिक्कियों को रख कर मैंने यहाँ पर जो ढक्कन रखा हुआ था उस ढक्कन को रख दिया है और रख कर उसी तरह से लो फ्लेम पर धीमे धीमे 15 से 20 मिनट के लिए पकने दे। छोटी छोटी साइज़ है तो मेरी तो 15 मिनट में बहुत अच्छे से पक कर तैयार हो गई थी। 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, छोटे छोटे पीसेज हैं इसलिए 15 मिनट बाद देखिए बहुत अच्छे से पक कर तैयार हो गई है। साइज़ भी थोड़ी सी आपको लग रही फुली फुली सी लग रही है, पहले चपटी चपटी सी लग रही थी और ये अच्छे से तैयार हो गई है। बीच में थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है जिसमें पकती है, जब ये ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल आप इसे स्टोर करने वाला कंडीशन में आ जाएगी। तो मैं इस प्लेट को निकाल लेती हूँ और यहाँ पर मैंने जब तक वो ठंडी हो रही है तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक छोटी सी कटोरी और जो मैंने बोला कि बहुत सस्ती चीज़ लूँगी तो यहाँ पर आप घर की मलाई से भी आप व्हिप्ड क्रीम तैयार कर सकते हैं। मेरे पास एक मिल्की बार पड़ी हुई थी तो उसी को मैंने ले लिया है और यहाँ खौलता हुआ पानी लिया है, इसमें उस मिल्की बार को कटोरे में रखकर रख दिया मैंने। अब मैं इसे ढक देती हूँ थोड़े टाइम के लिए, खौलता हुआ पानी है तो तुरंत ये मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स हल्के टाइम में ही ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब क्या करना है कि इसको गर्मा गर्म पानी के अंदर ही अच्छे से मिक्स कर दीजिए, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, एकदम अच्छी तरह से इसको मिला लेना है, मिला कर एकदम स्मूथ कर लेना है। और स्मूथ करने के बाद इसको आप किसी भी पाइपिंग बैग में या फिर दूध की पैकेट को अच्छे से धुल कर पोंछ कर उसके अंदर भर कर आप इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो मैंने भी कोई जुगाड़ू काम ही किया है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स टॉफ़ी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैंने यहाँ पड़ोसी के बगल में एक ग्लास ले लिया है, ग्लास के अंदर मैंने दूध की पैकेट को धुल कर रखा हुआ था उसे मैंने ले लिया है उल्टा करके और इसके अंदर जो ये मैंने क्रीम को तैयार करके रखा हुआ है इसके अंदर में मैं भर दूँगी, बहुत थोड़ी सी मात्रा में है तो बस दम नज़दीक में डालें ताकि इधर से उधर फालतू का बर्बाद नहीं हो, एकदम कोन वाले एरिया में ही डालें जिस जगह से आपको डिजाइन बनानी है। तो इस तरह से भर के इस कुप्पी को आप हल्के टाइम के लिए फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रख दें ताकि ये तो सेट होने के लिए मैंने इसमें भर के मैंने फ्रिज में रख दिया था, भर के मैंने फ्रिज में रख दिया था और जब मेरी बिस्किट ठंडी हो गई तो मैंने निकाला। और इस तरह से देखिए डिजाइन बनाना कितना आसान है, फ्रिज में रखने के कारण थोड़े थोड़े से इसमें टुकड़े भी हो गए हैं, जम गए हैं तो उस टुकड़े को जैसे हम लोग मेहंदी कैसे लगाते हैं थोड़े थोड़े कुछ कुछ आते हैं चीज़ें तो उसको बस उंगली से हटाते जाइए और इस तरह से डिजाइनिंग कीजिए, जिस तरह का मन करे उस तरह से डिजाइन कीजिए, नेट का डिजाइन दीजिए, इस तरह से आप जिगजैग करके डिजाइन दे दीजिए, तो जो डिजाइन मन करे उस तरह से डिजाइन देकर इस तरह से कुकीज़ को तैयार कीजिए। जब इसकी क्रीम थोड़ी सी अच्छे से सूख जाए, अच्छे से जो अभी गीली है तो ये सूख जाए
तो उसके बाद क्या करना है कि उठाकर आपको एयर टाइट डब्बे में किसी में रख देना है और बच्चों को जब मन करे निकाल कर आप एक पीस दे दीजिए और आपको देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बच्चे खुद ब खुद निकाल कर खाएंगे। मेरे यहाँ तो मेरे हस्बैंड भी बहुत निकाल निकाल कर खा लेते हैं, राज की बात है। तो इस तरह से आप कुकीज़ बनाइए और फ्रेंड्स देखिए गेहूँ के आटे से कितनी हेल्दी सी ये कुकीज़ बनकर तैयार हो गई है और बहुत कम टाइमिंग भी लगती है, मात्र 15 मिनट में। छोटी छोटी पीसेस रखिएगा तो कम टाइमिंग लगेगी, अगर पीसेस थोड़े से बड़े रखिएगा तो थोड़ी सी टाइमिंग हल्की सी ज़्यादा लगेगी। तो और जब ये पक जाती है तो हल्की सी फूल जाती है, तो बस इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आज कुकीज़ की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। ट्राई करने के बाद अपना कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी थी, कैसा स्वाद आया था, कैसा लगा था सब लोग को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत सारे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलती हूँ इसी तरह नई रेसिपी के साथ। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी दोस्तों।